अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने सऊदी अरब को और ओपेक के दूसरे ममालिक को सख्त कॉन्सिक्वेंसेस या किसी भी किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस झीलने के लिए तैयार रहने की धमकी दी है, मैं इसे धमकी कहूँगा। अब इतने अपने करीबी दोस्त ममालिक के लिए इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करना वो वाकई मुश्किल है मेरे लिए समझना, क्योंकि ईरान के साथ रूस की बहुत शराकत दारी है, मगर इसके बावजूद सऊदी अरब रूस के साथ तल्लक रखे हुए है। सऊदी अरब ने, यूएई ने अभी फिर सलामती कौंसिल में रूस के खिलाफ तल्लक रखने के बावजूद वोट भी दिया यूक्रेन की जंग के हवाले से। तो क्या अमेरिका को अब ये समझने की ज़रूरत है कि दूसरे ममालिक इतने कमज़ोर नहीं रहे, या फिर दूसरे ममालिक के भी तल्लक जो दूसरे लोगों से होते हैं वो भी कोई मानी रखते हैं? ये है एक आज का अहम मसला, और इसके साथ साथ ये बात जुड़ी हुई है रूस के साथ भी, चूँकि रूस यूक्रेन जंग को सदर जो बाइडेन और यूरोपियन दुनिया को काफ़ी बौखलाया हुआ है। इस सारे मामले पे हम बातचीत करेंगे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में कामरान बुखारी साहब के साथ। कामरान साहब, आपका स्वागत करते हैं, खुश आमदेद कहते हैं वाशिंगटन से। मैंने जैसा कि तमहीद बांधी, इसराइल के वज़ीर आज़म की भी बात हुई है गालबन व्लादिमीर पुतिन से, यूएई के सदर का भी दौरा हुआ है, लेकिन इस तरफ सदर जो बाइडेन बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं अपने उन दोस्तों के बारे में जिनके साथ उनके 70-80 साल पुराने तल्लुकात हैं। आप कैसे देखते हैं सूरत हाल को? देखिए, इसमें दो तीन पहलू हैं। पहला तो जो है वो ये है कि ये इस इंतजामिया के साथ ये क्राइसिस जुड़ा हुआ है, और बिलखसूस सदर जो बाइडेन के साथ, उनकी जात के साथ, क्योंकि उन्होंने जिस वक्त जमाल खशुज्जी का, जो हमारे दोस्त हुआ करते थे और आज से कुछ 4 साल पहले उनकी हलाकत हुई थी 2018 अक्टूबर के अंदर, तो उसके बाद जो है वो बहुत सख्त पोजीशन इख्तियार की थी उन्होंने, और उन्होंने अपनी कैंपेन जो 2020 के इलेक्शन में कर रहे थे उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है सख्त ज़बान इस्तेमाल की थी उन्होंने। बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं वो एक रिजिड किस्म की पोजीशन इख्तियार कर ली थी, जो कि इलेक्शन कैंपेन की ज़ुमरे में अगर देखा जाए तो समझ में आती है कि वो आप चूँकि जो है वो मतलब जो अमेरिकन पॉलिटिकल राइट है वो बहुत ज़्यादा राइट है, और जो अमेरिकन लेफ्ट है वो बहुत ज़्यादा लेफ्ट है, क्योंकि तमाम लेफ्ट और तमाम राइट जो हैं वो पोलराइज नहीं है, बटे हुए हैं फिरकों के अंदर, लेकिन ये है कि उन्होंने अपने कैंप को मजबूत करने के लिए उस वक्त जो है ह्यूमन राइट्स की बहुत बात की। उनका मैं सऊदी अरब को जो मतलब बेसिकली अपील करती है खास तौर पे वो उन लोगों को कि जो लेफ्ट की तरफ बहुत ज्यादा हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर, उसने एक टोन सेट कर दी। ठीक है, अमूमी तौर पे होता ये है तायर साहब, आपको भी पता है कि जब भी कोई कैंडिडेट होता है पब्लिक ऑफिस के लिए, और इस केस में प्रेसिडेंशियल रेस की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें तरह तरह के वादे किए जाते हैं, तरह तरह का रेट्रिक इस्तेमाल किया जाता है, और ये सिर्फ अमेरिका में नहीं होता, ये हर मुल्क जहां पे इलेक्शन होते हैं और ना भी अगर इलेक्शन हो तो जो डिक्टेटर होता है वो तरह तरह के जो है वो बातें करता है, लेकिन वो अपनी सपोर्ट बेस को मेंटेन करने के लिए वो बातें की जाती हैं, या इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में वोट मैक्सिमाइजेशन करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब वो मतलब उस इलेक्शन के नतीजे में वो जीत जाते हैं और दफ्तर संभालते हैं, ओहदा संभालते हैं, तो अमूमी तौर पे हमने ये देखा है कि जो सुदूर होते हैं या वजीर आजम होते हैं वो फिर उस जो कैंपेन रेट्रिक और जो पॉलिसी डिलीवरेबल्स का जो गैप कुदरती तौर पे होता है, क्योंकि हर वादा पूरा नहीं किया जा सकता, तो उसको कम करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा वो जिसे कहते हैं कि ओवरडोज हो गया, और उस ओवरडोज ने सऊदी अरब और खलीजी ममालिक बिलखसूस यूएई के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक कंसर्न पैदा कर दिया और नाराज़गी पैदा कर दी, और सिग्नल यही गया कि ये तो मतलब
क्योंकि आप देखें ना, ट्रंप के इंतजामिया के दौर में बहुत ज्यादा बगल गिरी थी। जैरेड कुशनर जो सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं, वो अक्सर जाया करते थे बीच के, मतलब उनको मिडिल मैन तस्वर किया जाता था। तो आप वो सदर को छोड़ के फिर एक बाइडन सदर आ गए हैं, जिन्होंने जमाल खुशुंजी के केस पे एमबीएस को बजाते खुद बहुत ज्यादा निशाना किया, टारगेट किया, क्योंकि उनको भी पता है सदर बाइडन को, खिलाड़ी हैं वो भी, मतलब सीजन जो है सेनेटर रह चुके हैं, फॉरेन पॉलिसी से उनका ताल्लुक है। मतलब यूं समझिए कि एटलीस्ट 40 साल का एक्सपीरियंस है। फिर नायब सदर भी रह चुके हैं ओबामा इंतजामिया में, तो उनको पता है। आई थिंक कि वो उसने टोन जो है वो सेट कर दी, वो जो मतलब रिलेशनशिप की, और उसमें जो है वो दफ्तर में आने के बाद उन्होंने उस रिलेशनशिप को सही तरीके से मैनेज नहीं किया, और वो जिसे कहते हैं कि कैंपेन में जो जज्बात की रौ में बह जाना का जो अमल होता है वो उसका शिकार हो गए। फिर हमने देखा हाल ही में जो है एक दौरा करके आए जिसमें बहुत सारे लोगों को लेके गए ताकि वो रिपेयर किया जाए रिलेशनशिप, लेकिन वहां पे भी जैसे मतलब खबरों में सामने आया कि बहुत ज्यादा तलख कलामी भी हुई, बड़ी जिसको मगर बहुत ही मतलब केयरफुल जुबान में कहें तो कहेंगे कि बड़ा कैंडिड गुफ्तगू हुई, खुलकर बात हुई, और अगर हम जरा मतलब लिबरल हो जाए अपनी लैंग्वेज के बाद, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ, वो तलख कलामी के मुतरादिफ था कि एक तरफ से कहा जा रहा है कि जो है आप ह्यूमन राइट्स के लिए क्या कर रहे हैं, और जैसे आई मीन इवन जब बाइडन साहब आए प्रेस के सामने मुलाकात के बाद, उन्होंने कहा मैं तो अपने ग्राउंड पे खड़ा रहा, तो उन्होंने बेसिकली यही कहा कि हाँ भाई जो है मैं तो नहीं हटा, मैंने तो बज नहीं किया, मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो बाइडन साहब ने अपने आप को बहुत मुश्किल एक पतली गली में वो फंसा दिया था, वहां से निकल नहीं पाए। और जो है सिर्फ इशू ह्यूमन राइट्स का भी नहीं है, सऊदी अरब के जो है इंटरेस्ट और अमेरिका के इंटरेस्ट कुदरती तौर पर डाइवर्ज हो रहे हैं। एटलीस्ट कम अज कम जो है अगर ओबामा इंतजामिया का दौर का वक्त लिया जाए और अब बाइडन इंतजामिया का, तो उसमें जो है ईरान को लेके बहुत सारे वो रिलेशनशिप्स जो हैं वो में दरार आई है। तो एक कुदरती है यह बात कि रियासतों के दरमियान कुदरती जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट वक्त के साथ एक जैसे नहीं रहते, लेकिन सवाल ये उठता है कि ह्यूमन एजेंसी के लेवल पे जो क्यादत होती है, जो स्टेट क्राफ्ट का अमल होता है, उसमें आप उन डाइवर्जिंग जो है ना इंटरेस्ट को कैसे मैनेज करते हैं। मैं समझता हूँ वहां पे वो बहुत बुरी तरीके से मैनेज किया गया। अब उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस की बात की है, तो मुझे तो नहीं लगता कि सऊदी अरब जिन टर्म्स पर जो बाइडेन चाहते हैं खेलें हूबहू वैसा ही खेलें, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? मीन देखें, अगर आप इसको प्योरली जियोपॉलिटिकली देखें, आप बाइडन साहब की जात, उनकी चॉइस ऑफ लैंग्वेज, जिस तरह मैं एमबीएस को गुस्सा आया था, इसी तरीके से जिस तरीके से जो है उनके साथ पेश आए हैं, और जो उनका माइंडसेट है, ये भी याद रखें कि जो बाइडन साहब जो है वो अपनी करियर के आखिर में है, ये अपनी लास्ट इनिंग्स खेल रहे हैं, गो के जो है क्लियर नहीं है कि हाँ भाई 2024 में वो ही खड़े होंगे या उनकी जगह कोई और होगा, अगर खड़े होते हैं तो जीत जाएंगे नहीं जीतेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बिल्कुल अनक्लियर है। लेकिन ये है कि एक और टर्म मिल जाएगा, तो आई थिंक जब इस लेवल पे आप बंदा पहुंचता है तो साइकोलॉजी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। अमूमी तौर पे ये कहा जाता है कि जब आप जो है इवन अगर आप मतलब क्योंकि सदर का ओहदा जो है वो तो पिनिकल है ना अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम का, तो अगर आप एक पहले टर्म में जो है आप री इलेक्शन को मद्देनजर रखते हैं, सेकंड टर्म में आप लेगेसी को मद्देनजर रखते हैं कि भाई आप किस चीज के लिए याद किए जाएंगे, और आई थिंक अ लॉट ऑफ दैट इज ऑल्सो शेपिंग जो बाइडन्स थिंकिंग कि भाई अगर मैंने अभी कॉम्प्रोमाइज कर दिया इनके साथ तो मुझे लोग याद करेंगे कि मैंने जो है वो ह्यूमन राइट्स को और फलानी धमकाने के ऊपर वो मैंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया और मेरी जो लेगेसी है वो टार्ट हो जाएगी और वो मैं नहीं चाहता। तो ये भी थोड़ी बहुत जो है ना कि मैं कहूँगा बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है उनके बिहेवियर को। लेकिन अगर जियोपॉलिटिकली देखा जाए
तो क्या करेंगे? मतलब आई मीन सीरियसली, ये दुनिया का सबसे बड़ा खाम तेल का एक्सपोर्टर है, ठीक है, अमेरिका करीब करीब है, कभी ऊपर हो जाता है कभी नीचे हो जाता है, लेकिन सऊदी अरब का एक जो है शेयर है, मार्केट शेयर है ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन का। दूसरी बात यह है कि एक ऐसे खत्ते मशरक वस्ता के अंदर कि जहां ऑलरेडी इम्बैलेंस ऑफ पावर है, और आप क्या चाहेंगे कि अरब दुनिया का जो सबसे ताकतवर मुल्क है आप उसको मतलब क्या करेंगे, कमजोर कर देंगे, तो ईरान जो है और भी हावी हो जाएगा, उसको स्पेस मिल जाएगा, तुर्की को स्पेस मिल जाएगा, इसराइल के साथ आपके जो इसराइल जो अरब्स के साथ अलाइन कर रहा है, इसराइल के साथ आपके ताल्लुकात खराब होने का डर है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जहाँ कंस्ट्रेंट्स है, आई डोंट थिंक कि यहाँ कुछ होगा, वो यहाँ पे जो है आई थिंक जो ह्यूमन एजेंसी है वो डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर रही है, एज अपोज टू लुकिंग एट इट फ्रॉम अ कोर जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरी जानब भी देखें तो अगर सऊदी अरब को देखें तो सऊदी अरब इज लुकिंग एट इट के एक बाइडन क्या करेगा, मतलब ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, वो लोग बैठ क्या कर रहे हैं, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, उनके उनके ऊपर एम्पैथेटिक एनालिसिस लगाने की जरूरत है। आई थिंक वो समझ वो सोच रहे हैं कि भाई हमारे पास बड़ी गुंजाइश है, हम ये कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, अमेरिका ना हमसे नाराज होने वाला है। और एन मुमकिन है, अब थोड़ा सा जो है अब मैं स्पेक्यूलेशन की जाने बात हूँ, एन मुमकिन है क्योंकि जो अमूमी तौर पे जो सऊदी अरब की क्यादत है वो रिपब्लिकन लीडरशिप के साथ जो है वो ज्यादा पसंद करते हैं वो, और खास तौर पे वो डोनाल्ड ट्रंप के दौर में जो है उनको बड़ा फायदा हुआ। तो ऐन मुमकिन है कि वो सदर बाइडन के लिए मुश्किल क्रिएट कर रहे हो, और सदर बाइडन को शायद मैसेज मिल रहा है जिसपे उनको गुस्सा भी आ रहा है, फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे इस वक्त जो है पर्सनैलिटीज का भी क्लैश हो रहा है, जो कि डिसीजन मेकिंग और स्टेट क्राफ्ट के ऊपर वो उसका असर पड़ रहा है। देखिए, आपने ह्यूमन राइट्स की बात की, मैं उस सिलसिले में मुख्तसरन आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि अमेरिका के 7-8 डिकेड्स में अगर हम रिकॉर्ड को देखें तो बेतहाशा ऐसी रियासतें हैं जहाँ ह्यूमन राइट्स की खौफनाक वायोलेशन थी, डिक्टेटर थे, अमेरिका ने उनका साथ दिया, और आज भी हमें कहीं कहीं सूरत हाल देखने को मिलती है। तो ये जो ह्यूमन राइट्स की ये फैंसी गोली खेलने का जो मामला है, ये क्या आपको लगता नहीं कि दुनिया को इसकी वाज़े तौर पर समझ है? देखें, एक तरफ वैल्यूज है अमेरिका की और एक तरफ उसके इंटरेस्ट है, ठीक है, तो ये तारीखी तौर पर ये सिर्फ अमेरिका का नहीं है, ये हर ताकत का है। मतलब जो भी आलमी ताकत होती है, ग्रेट पावर होती है, तो उसकी वैल्यूज में और उसके इंटरेस्ट में फर्क होता है। सवाल ये उठता है कि आपकी कयादत कितनी जो है वो काबिल है कि उस गैप को ब्रिज कर सके और दोनों को साथ लेके चल सके, क्योंकि आपको बैलेंस करना होता है, इक्विलिब्रियम क्रिएट करना होता है। तो आई थिंक इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं हो पा रहा। तारीखी तौर पे देखें, मतलब सदर रोनाल्ड रेगन जो है के दौर में क्या अमीरों के साथ डील नहीं किया गया? क्या उनकी ह्यूमन राइट्स को जो है वो नजरअंदाज नहीं किया गया, उनकी जो ह्यूमन राइट वायोलेशन थी? पाकिस्तान को ही ले लें, जनरल जिया का साथ दिया इन लोगों ने, तो लेकिन उस वक्त उन्होंने उस तनकीद को अब्जॉर्ब कर लिया, उस तनकीद को इतना बेकाबू नहीं होने दिया। अब सिचुएशन ये है कि आई थिंक इस वक्त दुनिया तब्दील हो चुकी है, दुनिया में भी इरतका आया है, छोटी ही ताकतें छोटे मुल्क भी जो है वो देख रहे हैं। तो पिछले 20 साल से जो अमेरिका की परफॉर्मेंस रही है उसका जाहिर है मतलब जो असर है वो जाते जाते जाएगा। मतलब वो अभी तो मेमोरीज ताजा है ना कि आप भाई अभी तो अफगानिस्तान से आप भागे, तो सदर पुतिन ने ये जो जंग की है अभी, तो क्या वो ऐसे कर दी है? मतलब वो भी देख रहे थे ना कि यार ये तो अभी भाग के आए हैं वहां से, तो ये मुझे क्या कहेंगे या मेरे खिलाफ क्या करेंगे, वो कि मिसकैलकुलेट कर दिया सदर पुतिन ने, लेकिन सोच वही थी। इसी तरीके से मुल्क देख रहे हैं कि अभी अमेरिका जो है वो स्लिप कर रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी की जो है इश्यूज के ऊपर। वो वाला अमेरिका नहीं है जो किसी मतलब 80 के दिहाई में था या 90 के दिहाई में था या इवन 9/11 के फौरन बाद था, ठीक है।
तो आई थिंक कि इन चीजों से परसेप्शंस शेप होते हैं। रॉबर्ट जर्विस हैं, मरहूम पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, हमारे मैंने उस्तादों में से हैं, जो डायरेक्टली मैंने उनसे जो है तालीम हासिल नहीं की, जो उनकी किताब है परसेप्शंस एंड मिस परसेप्शंस, पढ़ने वाली है वो। उसमें यही है कि भाई जो कॉन्फ्लिक्ट है इंटरनेशनल, कॉम्पिटिशन जो है, कोऑपरेशन जो है रियासतों के दरमियान, वो कुछ चीजें होती हैं कि आप जो है एक दोनों तरफ से एक दूसरे के बारे में एक परसेप्शन है, फिर दोनों तरफ से एक मिस परसेप्शन भी है, उन दोनों के मिलाप से बिहेवियर होता है। और अगर तनाजे छिड़ते हैं तो उसके पीछे जो है एक फरीक का दूसरे फरीक या एक जो है साइड से दूसरी साइड की जानिब किस किस्म का आपका लेंस है, आप किस तरीके से परसीव कर रहे हैं कि दूसरी जानिब क्या सूरत हाल है, ये तो मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस का एक फाउंडेशनल इंग्रेडिएंट है। तो आई थिंक आप सही कह रहे हैं कि वो अब अमेरिका का ये है कि देखें, आई थिंक दिस इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग थिंग। हमारे मेरे बॉस हुआ करते थे और उस्ताद हैं डॉक्टर जॉर्ज फ्रीडमैन, तो उन्होंने अपनी एक हालिया किताब के अंदर एक बात लिखी है कि अमेरिका 30 साल तो सोल सुपर पावर होने के तहत के एतबार से हो गए हैं ना, 1991 में सोवियत इम्प्लोजन के बाद अमेरिका वाहे तन तनहा सुपर पावर रह गया। लेकिन अगर आप 1945 से भी शुरू कर लें, तो जिस वक्त वो के उस वक्त सोवियत यूनियन भी उभरा था और वो राइवल था, बाइपोलर दुनिया थी, इडियोलॉजिकल एक कैंप्स बने हुए थे, लेकिन जो इंटरनेशनल सिस्टम की तश्कील है वो अमेरिका ने की थी। जितना मौजूदा निज़ाम है जिसको हम इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर कहते हैं, वो अमेरिका ने तरतीब दिया था बरतानिया और यूरोप की एग्जॉस्टन के बाद, क्योंकि तो दो बड़ी जंगे में जंगे अजीम में उन्होंने वो अपनी तवानाई खो बैठे थे, अपनी ताकत खो बैठे थे। तो अगर इस अरसे को देखा जाए तो इसमें अमेरिका अभी यंग सुपर पावर है, कि अभी अमेरिका की रियासती मशीनरी 70 साल तो वो सोवियत यूनियन के पीछे मतलब जो है वो गुजर गए ना, वो जितनी रियासती मशीनरी तरतीब हुई थी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ट्रूमन इंतजामिया के दौर में, यहाँ तक कि CIA फेडरल गवर्नमेंट का जो ढांचा है अमेरिका का, ये तब 80 साल पुराना हो चुका है। तो अब 80 साल के बाद इसको अब तब्दील करने की जरूरत है। पिछले 30 साल जो है बस इन्हीं चीजों में गुजर गए। पहले 10 साल थे कि अच्छा भाई इसको मतलब कभी सोमालिया में कुछ हो रहा है, कभी अलकायदा उभर रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी रवांडा में हो रहा है, कभी जो है कॉसोवो में जा रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को डील कर रहे हैं। उस वक्त ना चीन इस तरह उभर के सामने आया था, सोवियत यूनियन का जो है इम्प्लोजन हो चुका था, रूस अपने पैरों पर पे खड़े होने की कोशिश कर रहा था, तो वो 10 साल तो बस ऐसे ही गुजर गए। फिर 20 साल आपने जिहादी जंगों में गुजार दिए 9/11 के वाकये के बाद। तो कहने का मकसद ये है कि अमेरिका को भी अभी जस्ट करना है अपनी रियासती ढांचे, अपने तरीकेकार को, कि किस तरीके से एज अ सोल सुपर पावर बिहेव करना है, और एक ऐसे दौर के अंदर कि जहां रियासतें कोई अमेरिका के मुकाबले में नहीं है, ना ही रूस है, ना ही चीन है, ना ही कोई और है, लेकिन वो रियासतें अमेरिका की कमजोरियां को, जो रिलेटिव कमजोरी है, उसका भरपूर फायदा उठा रही है। और ये जो आपने मैं और आप सऊदी अरब के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, ये इसका एक बहुत ही क्रिटिकल किस्म का एग्जाम्पल है। जी, आपने दुरुस्त कहा कि रियासतें अभी अमेरिका का मुकाबला नहीं करने के काबिल, लेकिन ये भी हकीकत है कि अमेरिका जितना मजबूत होता था शायद अभी भी उतना ही मजबूत हो, लेकिन दूसरी रियासतें उतनी कमज़ोर नहीं हैं जितनी कमज़ोर हुआ करती थी हर एतबार से। और आपने पीछे बात की कि व्लादिमीर पुतिन मिसकैलकुलेट कर गए, इस जंग में वो इन्वॉल्व हो गए और अब उनके लिए निकलना मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कामरान भाई साहब कि अमेरिका और यूरोपियन अकवाम भी शायद व्लादिमीर पुतिन के बारे में कुछ मिसकैलकुलेट ज़रूर कर गईं। उनका नहीं ख्याल था कि ये इतना अरसा जंग में गुजार जाएंगे और फिर उसके बाद ये आइसोलेट भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा बेशक हो सकता है बैक टू डिप्लोमेसी के तहत ही यूएई के प्रेसिडेंट गए हों, अमेरिका की ख्वाहिश पर ही गए हों, और भी जो लीडर बात कर रहे हैं अमेरिका की ख्वाहिश पर ही बात कर रहे हों,
लेकिन आपको ये जो रूस के अब इस जंग से निकलने की फजा कैसे नजर आती है, क्योंकि ना सिर्फ रूस इस जंग से निकलना चाहता है, मेरा ख्याल है वेस्टर्न वर्ल्ड भी तो निकलना चाहती है। जी सही फरमाया तायब साहब। मैं आपकी पहले बात पे जरा थोड़ा रोशनी डालना चाहूंगा, इसको एलैबोरेट करना चाहूंगा। देखिए, दूसरी ताकतें जो हैं, जो अमेरिका का कोई आप उस तरह से कंपेटिटर नहीं है, मतलब चैलेंजेस हैं, चीन की तरफ से भी चैलेंज है, रूस की जानब से भी एक चैलेंज है, लेकिन ये चैलेंजेस वो नहीं है कि जिसको हम किस जमाने में पीयर पावर कहते थे। जैसे मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बर्तानिया और फ्रांस की जो टक्कर थी इस जमाने में, वो एक तरह के स्टेट्स थे, मतलब वो कि बर्तानिया थोड़ा ज्यादा ताकतवर था लेकिन फ्रांस पीछे नहीं था। बर्तानिया की भी कॉलोनीज थी, फ्रांस की भी कॉलोनीज थी, फिर जर्मनी उभर के आया और फिर ये तीन मुल्क जो हैं, फिर वो उन्होंने मजबूर किया कि फ्रांस और जो है अपना बर्तानिया को अलाइन करने में। तो उस लेवल की पैरिटी नहीं है, क्योंकि अमेरिका दुनिया का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, तमाम जो रियास जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो अमेरिका के इर्द-गिर्द है। उसकी सिंपल एक वजह है कि अमेरिका जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और फिर इकोनॉमी के लिहाज के बाद सबसे बड़ी मिलिट्री पावर भी है, और फिर कल्चरल पॉलिटिकल पावर भी है, मतलब ये जो अमेरिकन कल्चर है वो इंटरनेशनलाइज्ड है। तो उस लेवल पे अगर देखा जाए तो जाहिर है कोई मुकाबला नहीं। अब मसला ये है कि जो जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो ये है कि अमेरिका उस तरीके से जो रियासतों को अपना लेकर चलता था वो हम नहीं देख पा रहे। उसकी वजह ये है कि वक्त के साथ साथ, अभी हम तुर्की की मिसाल ले लेते हैं, कि तुर्की अब कोई लगभग 15 साल तो हो ही गए हैं कि वो अब सिर्फ नेटो का हिस्सा बनकर जो है नहीं रहना चाहता। वो नेटो की मेंबरशिप गिव अप नहीं कर रही, लेकिन उन तुर्की को ये भी पता है कि नेटो इस वक्त जो है उतना फाल नहीं है। नेटो एक कोल्ड वॉर का रेलिक है जिसको समझ नहीं, जिसकी अभी हम समझ नहीं पा रहे कि उसको रिडिफाइन कैसे किया जाए। तो ये तुर्की को पता है, तो तुर्की अपनी यूनिलैटरल पॉलिसीज कर रहा है कि भाई नेटो में भी रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको, मगरब के साथ हैं हम, ठीक है, हम अपने आप को, चाहे हमने यूरोप में अपना हिस्सा बनाए ना बनाए, और अब तो खैर हमें यूरोप का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन खुद बैठ रहा है, मतलब उसके भी मतलब वो जो कश्ती है वो डगमगा रही है बिलखसूस ब्रेक्सिट के बाद। तो तुर्की जो है वो अपने आप को असर्ट कर रहा है, और फिर हालात तब्दील हो गए। अब आप देखिए कि जो है ये रूस की जो जंग है यूक्रेन के अंदर, और उससे पहले भी रूस कमजोर हो रहा था और तुर्की उसका फायदा उठा रहा है। जितना जितना रूस कमजोर हो रहा है तुर्की उतना उतना आगे बढ़ रहा है। तो अब इंटरेस्ट अमेरिका के साथ डाइवर्ज नहीं है, अब वो सिर्फ एलाई नहीं है, वो बजाते खुद भी एक रीजनल पावर है और उसको ग्रेट पावर की ख्वाहिश है। इसी तरीके से जो है अगर आप देखें तो भारत है, भारत को अगर आप देखें तो एक जमाने में वो कि नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा था, एक कलीदी किरदार था नॉन अलाइंड मूवमेंट, पहले जवाहरलाल नेहरू के जमाने में और फिर इंदिरा गांधी साहबा के जमाने में। तो लेकिन उसके बावजूद एक बात थी कि उनका टिल्ट जो था वो सोवियत यूनियन की तरफ था, लेकिन 90 88 से लेके जो अर्ली 90s तक का जो 4-5 साल का जो टर्मिनेंट पीरियड है, जिसके दौरान जो है राजीव गांधी की हलाकत भी हुई, जो उस वक्त जो है एक वक्त में वजीर आजम थे अपनी माँ की वफात के बाद, और उसके बाद बीजेपी का जो उभर के आना और वो एक ट्रांजिशन जो हुआ है भारत के अंदर, उसी दौरान मार्केट इकोनॉमिक्स भी आई है भारत के अंदर, अमेरिका के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर हुए। अब एक मतलब ये कोई माजी की हम बात नहीं कर रहे, ये तो कल की बात है कि अमेरिका जो है वो भारत को मतलब ये तसव्वुर करता था कि भाई ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के तौर पे सेलिब्रेट करता था और एलआई के तौर पे, और अभी भी कहा जाता है कि क्वाड का हिस्सा है, और इंडो पैसिफिक कमांड जो है बनाई इसलिए कि पहले उसको पैसिफिक कमांड कहते थे क्योंकि इंडियन ओशन और भारत का किरदार जो है उसमें फैक्टर इन किया गया। लेकिन हम हकीकत ये है कि भारत अमेरिका के साथ,
नहीं चल रहा हर चीज के ऊपर, रूस को ले, तो हालात तब्दील हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका जो है वो उसकी अबिलिटी टू शेप में कोई बहुत ज्यादा फर्क आया है, दुनिया की हकीकत बदल गई है, रियासतें वो नहीं रही। मतलब भारत ने बहुत तरक्की की है, गोके चीन के लेवल की ताकत नहीं है भारत, बहुत चीन से बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन ये भारत वो वाला भारत नहीं है जो 80 की दिहाई में था या 90 की दिहाई में था, आगे बढ़ गया। तो जो जो रियासतें आगे बढ़ती हैं, पावर्स जो है वो फिर अपने आप को असर्ट करते हैं। हमने गुफ्तगू शुरू की थी खलीजी ममालिक की, सऊदी अरब और यूएई के जो है ना हवाले से, उन्हीं को ले, एक वक्त में और अभी भी वो अपनी सिक्योरिटी की जो जामिन है उनकी, उनकी नेशनल सिक्योरिटी, उनकी इलाकाई सिक्योरिटी के जो जामिन है वो अमरीका है, अड्डे हैं वहां पे अमरीका के। लेकिन उनको भी पता है कि अमरीका अड्डे छोड़ के नहीं जाए, तो उनके पास गुंजाइश है। उन्होंने भी अभी देखा, अरब स्प्रिंग देखी, अरब स्प्रिंग से बड़ी मुश्किलों से वो निपटे हैं बैठ के, और अपनी रियासतों को कायम कायम रखा है, क्योंकि बाकी तो रियासतें गिर गई ना। इराक को तो खैर डिमोलिश अमरीका ने कर दिया था, सीरिया की रियासत जो है वो ना होने के बराबर है, वहाँ खून रेजी और खाना जंगी के बाद जो कुछ हुआ सबको पता है। लीबिया की रियासत गिर गई, टूनिशिया के अंदर तब्दीली आ गई, यमन जो उनके बॉर्डर के ऊपर है, सदर्न फ्लैंक के ऊपर है, एक बेसिकली जो है वो लॉलेसनेस का जो है एक बहुत बड़ा लैंड मास है। तो कहने का मकसद ये है कि उनको भी अपने मफादात चाहिए ना। अब जब अरब स्प्रिंग आई तो मगरिब की जानिब से क्या हुआ कि जी हम तो, ये तो डेमोक्रेसी आ रही है, तो उन्होंने अपना जो है, तो अमेरिका की वैल्यूज किक इन हो गए। इधर जो है इनके जान के लाले पड़े हुए थे, इन्होंने कहा यार आप तो हमारे साथी हैं, आपने जिक्र किया था साहब थोड़ी देर पहले के वो डिक्टेटर्स को करते थे, तो उनमें से बहुत सारे डिक्टेटर्स तो मशरिक वुस्ता के थे, ठीक है ना। तो जो ऑटोक्रेसी जो है, जो मोनार्की का निजाम है सऊदी अरब में और दीगर खलीजी ममालिक में, तो एलाइज है अमरीका के, देना एलाइज है कोल्ड वॉर के जमाने से। लेकिन उन्होंने फिर कहा, उनको शॉक हुआ, उन्होंने कहा यार ये तो आप हमें मतलब बेड़ा गर्क कर रहे हैं आप। और उस जमाने में बुश इंतजामिया का, उससे पहले भी बुश इंतजामिया के दौर में एक मिडल ईस्ट डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट, इराक की जंग, तो खटाई पड़ चुकी थी। तो ये एक और एग्जाम्पल है कि जो है मफादात में तजाद आ जाता है, डाइवर्जेंस आ जाता है। आई थिंक कि जो है ये कुदरती अमल है। हम एक वो जो दौर था जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू की दुनिया थी, जिसको अभी भी हम लिटरेचर की जुबान में इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर कहते हैं, उसको मॉडिफाई करने की जरूरत है, उसको इवॉल्व होने की जरूरत है कि जहाँ जो दुनिया की हकीकत है उसको फैक्टर इन किया जाए। आप भारत को कैसे साथ लेके चलेंगे, क्वाड में कैसे होगा मतलब काम, भारत की वहां पे कमजोरियां हैं, फिर वो रूस के साथ ताल्लुकात हैं तो रूस को छोड़ नहीं सकते क्या, मतलब ये सारे मामले को मैनेज करने के लिए आई थिंक अमेरिका को भी इवॉल्व होना है। जी, अब मैंने जो एक और भी सवाल बहुत सारे सवालों के साथ जोड़ा पीछे, कि वो ये कि जहाँ पे व्लादिमीर पुतिन मिसकैलकुलेट कर गए, क्या आपको लगता नहीं कि अमेरिका और यूरोपियन अकवाम भी उनको मिसकैलकुलेट कर गई? वो उस तरह आइसोलेट नहीं हो सके, मिलते रहे, बड़ी शदीद जंग के दौरान भी मिलते रहे, जंग अभी भी जारी है। तो अब मैं इसके साथ ये सवाल भी जोड़ता हूँ उनको मिसकैलकुलेट करने के साथ, कि इस जंग का हतमी अंजाम कोई क्या आपको मुस्तकबिल करीब में नज़र आता है, और इस पे हम थोड़ी सी बातचीत आगे लेकर चलते हैं। जी देखिए, जहां तक मिस कैलकुलेट करने का ताल्लुक है तो किया है, लेकिन वो उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का व्लादिमीर पुतिन ने किया है। व्लादिमीर पुतिन ने अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं उसका बड़ा एक इन्फ्लेटेड सेंस है। दूध का दूध पानी का पानी तो मैदान जंग में हो जाता है ना, तो लेकिन उससे पहले जब वो जंग में छलांग मारी उन्होंने, तो वो एक कुछ असम्पशंस पे चल रहे थे। असम्पशंस ये थे कि उनकी फौज कारकर्दगी दिखाएगी, नहीं दिखाई, उनके जो सिस्टम्स हैं वर्क करेंगे, ऊपर से वो ऑर्डर देंगे। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले उन्होंने नया कमांडर या पिछले हफ्ते जो है अपॉइंट किया है। क्यों किया है? क्योंकि वो जो असम्पशन लेके चले थे वो नहीं था। हाँ, अब बात करते हैं मगरिब ने क्या मिसकैलकुलेट किया। मगरिब ने जहां मिसकैलकुलेट किया वो ये था कि एक तो
ये जो यूक्रेन डेमोक्रेटाइज हो रहा था, तो ये नहीं इसको हमने फैक्टर इन किया मगरब के अंदर कि रूस किस तरीके से, इस पे हमने संजीदगी से गौर नहीं किया कि किस तरीके से रूस की तरफ से रिएक्शन आए। फिर अगर आप जो है ये जो 24 फरवरी की जंग शुरू हुई थी यूक्रेन में, उससे पहले के कुछ अरसे को देख लें, आप कई महीने पीछे चले जाएं, तो बाइडेन इंतजामिया की जानब से भी मिसकैलकुलेट किया गया। जब वो बातचीत कर रहे थे सदर पुतिन के साथ, डिप्लोमेसी चल रही थी उस वक्त, अच्छा भाई जो है इस मसले का हल करते हैं वरना हम जा रहे हैं मतलब हमला करने के लिए, तो उसमें जो है मैं भी उनमें शामिल हूँ, उन गुनाहगार हूँ, उस गुनाहगारों की फहरिस्त में हूँ, कि हमने सोचा कि ये सिर्फ ब्लफ कर रहा है, तो ये असल में जंग नहीं करेगा, क्योंकि अगर जंग करेगा तो उसके बड़े नुकसान हो जाएंगे, ये हो जाएगा। हमने ये नहीं फैक्टर इन किया कि वो उसकी मजबूरी या उसकी जो सिचुएशन कितनी बुरी है कि उसको मतलब हो सकता है कि वो असल में जंग कर दे, तो हमने बड़ा लाइटली लिया। हमसे मुराद बाइडन इंतजामिया ने कहा कि अच्छा नहीं नहीं हम नहीं मानते, उन्होंने बेसिकली अपने फीट ड्रैग की कि नहीं, अभी हम जो है तैयार नहीं है आपकी मांगे कुछ संजीदगी से गौर करने के लिए। तो यही था ना कि भाई वो नहीं करेगा जंग, फिर आएगा मेज पे, फिर बात करेंगे, तो वो मिसकैलकुलेशन तो हुई ना। लेकिन और फिर उससे बड़ी मिसकैलकुलेशन जो मैं आपके किसी पहले शो में मुझे याद पड़ता है, मैं इसका तफसील से जिक्र किया था, वो ये था कि एक तरफ आप नेटो को एक्सपेंड कर रहे हैं या मगरबी जो कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर है, वो एक्सपैंड हो रहा है, यूक्रेन शामिल हो रहा है, उससे पहले लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया नेटो का हिस्सा बने, पोलैंड नेटो का हिस्सा बना, 30 साल से जो ये सिलसिला चल रहा था, तो आपने ये फैला रहे थे, ना ही आपने रिएक्शन को सही तरीके से जो है फैक्टर इन किया। और इसके ऊपर जो है हेनरी किसिंजर साहब ने बहुत भरपूर जो है गुफ्तगू की है इसके ऊपर रिसेंटली, और ना इससे बढ़ के आपने ये नहीं सोचा कि यूरोप जो है वो मतलब अपनी तवानाई के एतबार से कुछ थोड़ी डिवर्सिफाई कर ले कि भाई रूस के साथ आप जुड़े में बैठ के। अब इस मामले में जो है तुर्की को हम मतलब मगरिब के अंदर हम क्रिटिसाइज करते रहे हैं, और राइटफुली किया है क्योंकि जो है वो हमारे आर्ग्यूमेंट्स ठीक हैं, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना कि अगर वो रूस के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, इसकी वजह ये भी है कि 40 से 50% जो तवानाई है नेचुरल गैस की सूरत में वो रूस से आ रही है। तो रूस, अच्छा इस वक्त अगर आप देखें तो तुर्की इज, वो कहते हैं अंग्रेजी में, इज हैविंग इट्स केक एंड ईटिंग इट एज वेल। एक तरफ वो रूस के खिलाफ अपने बैरकतार ड्रोन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, दूसरी जानब वो रूस के साथ ताल्लुकात भी कायम किए हैं, तो ये हुई है ना मिसकैलकुलेशंस। तो इसमें स्टेट क्राफ्ट, इसमें जो है ये इसको यूं समझिए ये एक ह्यूमन वेयर होता है, एक होता है हार्डवेयर टेक्नोलॉजी होती है, ये ह्यूमन टेक इसको कह रहे हैं फॉर लैक ऑफ बेटर टर्म। तो ये कोई भी मतलब क्वालिटीज की बढ़ती है गिरती है, स्टेट्समैनशिप जो है एक एक हुनर होता है जो कि किसी भी पॉलिटिकल लीग, उसकी खास तौर पे जो उसके चीफ डिप्लोमेट्स होते हैं, स्ट्रेटजिस्ट होते हैं मुल्कों के, चाहे वो फौज में, इंटेलिजेंस एजेंसीज में है, दीगर और इदारों में रियासत के, तो उनकी क्वालिटी का है। अब ये बात मतलब सबके सामने है, मतलब एक जमाने में हेनरी किसिंजर थे, वो जो है सदर रिचर्ड निक्सन को मतलब अच्छी तरीके से याद नहीं करते क्योंकि वो वाटरगेट हो गया, लेकिन अगर वाटरगेट ना होता ठीक है, तो ये वही सदर है जिसने सोवियत यूनियन से चाइना को स्प्लिट किया था, जिसने जो है कहा वो जंग खत्म की वियतनाम की, जिसने जो है चीन के साथ ताल्लुकात जोड़े, तो वो भी एक मयार है। फिर सदर रेगन है ठीक है, उनका दौर है, उसके बाद जो है बुश इंतजामिया का दौर आता है, तो वहां पे हमने जो है वो उस तरह की फाल पॉलिसी स्ट्रेटजी मेकिंग नहीं देखी, खास तौर पे 9/11 के रिएक्शन में जो है वो बिल्कुल ही एक तरफ बह गए, बाकी चीन को वक्त मिल गया, स्पेस एंड टाइम मिल गया अपने आप को डेवलप करने का, रूस को भरने का स्पेस एंड टाइम मिल गया, तो तवज्जो नहीं दी जा रही थी। तो आई थिंक कि इसमें ह्यूमन
ह्यूमन जो एलिमेंट है वो बड़ा जरूरी है, जहां जियो पॉलिटिक्स है वहां एक ह्यूमन एजेंसी का भी एलिमेंट है, मिसकैलकुलेट करते हैं। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ कि जी वो देखें रूस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और फिर अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू पे आएंगे। जंग ठीक नहीं जा रही, जंग में शिकस्त हो रही है बुरी तरीके से, बिलखसूस इस वजह से कि ये दुनिया की सबसे बड़ी, दुनिया की दूसरी बड़ी फौजी ताकत है जिसका अपना एक इंडस्ट्रियल बेस है, किसी और से फौज असला लेके नहीं लड़ते, वो अपना बनाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ऐसी ताकत को इस तरह की रुसवाई होना ये बहुत बड़ी बुरी डिफीट है। दूसरी तरफ सैंक्शन लग चुके हैं, अभी आप देखें कि दुनिया ने रूस को एक्चुअली रिब्यूक किया। आप ये देखें कि यूएन जनरल असेंबली सेशन जो हुआ है रूस के खिलाफ, उसमें चंद एक मुल्क हैं जो के मतलब ना इधर के हैं ना उधर के हैं, जिन्होंने जो है ना रूस का साथ दिया। भरपूर तौर पर दुनिया ने रूस के खिलाफ वोट किया है और चाइना ने एब्सटेन किया। चाइना ने एब्सटेन क्यों किया है? क्योंकि उनको तल्लुकात भी रखने हैं, लेकिन उन्होंने मैसेज भी पहुंचा दिया क्रेमलिन को कि जी हमें माफ करें, ठीक है अब ये जंग बंद करें, हमारे हालात और पतले हो रहे हैं, ठीक है आगे जो है आपकी जंग की वजह से वैसे ही इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हुई हुई है और जो है उसके बाद रिसेशन आ रहा है और पता नहीं आप पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन हम तो एक एक्सपोर्ट इकोनॉमी है। अगर दुनिया में रिसेशन आता है तो लोग हमारी अशियाओं जो हम प्रोड्यूस करते हैं इंडस्ट्रियल आउटपुट को वो खरीदेगी नहीं, तो हमारी ग्रोथ गिर जाएगी। ग्रोथ गिरेगी तो जी साहब तीसरा टर्म कैसे पूरा करेंगे, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कैसे जो है आगे इतने बड़े मुल्क को लेके चलेगी। तो ये चीजें जो हैं, रूस को रिब्यूक मिली है, अब रूस को क्या चाहिए? अब रूस चाहता है कि यार किसी तरीके से हालात यहां पहुंच चुके हैं कि अब सदर पुतिन की अपनी पोजीशन जो है वो खतरे में है, तो उनको अगर अपनी पोजीशन को बरकरार रखना है और अपनी रियासत को मतलब सैलवेज करना है इस क्राइसिस से, तो उनको एक तो जंग खत्म करनी है और जंग ऐसे तरीके से खत्म करनी है कि जहां वो ये ना लगे कि उन्होंने कैपिटुलेट किया है, कि जहां उन्होंने हार मानी है, तो ये उनका है। अब आते हैं अमेरिका के जाने, सदर जो बाइडन इस वक्त बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है जहां तक यूक्रेन और रूस की जंग का मतलब ताल्लुक है, वो उनके लिए पॉलिटिकली बहुत ठीक चल रही है क्योंकि वो मतलब कोई ऐसी चीज नहीं हुई ना, अमेरिकन सोल्जर्स मर रहे हैं, जो अमेरिका काम जो उनकी इंतजामिया ने इकदाम किए हैं वो फल दे रहे हैं, असला दिया जा रहा है, इमदाद दी जा रही है, यूक्रेन की फौज आगे बढ़ रही है, तो वो चाहते हैं कि ऐसा ही रहे। मतलब इलेक्शन होने वाला है, महीना से कम रह गया है, 7 या 8 नवंबर को इलेक्शन हो जाएगा, मैं तारीख भूल रहा हूँ, तो वो इलेक्शन जब होगा तो उसमें उनकी जमात को वो चाहेगी कि वो अपनी सीटें रिटेन कर सके और बढ़ा भी सके, क्या होगा ये तो बात की बात। फिर चलें इन मिड टर्म इलेक्शन से निकल आते हैं, आगे 2024 का साइकिल शुरू होने वाला है, ये लेने के देने ना पड़ जाए, तो वो भी चाहेंगे कि अब यहाँ पे जंग बंदी हो जाए। अगर मैं ये साबित कर सकूं कि मैंने रूस को मजबूर कर दिया जंग बंदी के ऊपर, तो मैं तो मेरे तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो अब जंग उधर भी नहीं चाहते, जंग इधर भी नहीं चाहते, लेकिन वजूहात मुख्तलिफ है, तो क्या कैसे वो जो है वो भी खुश रहें ये भी खुश रहें, तो क्या वो फॉर्मूला होगा, क्या वो जो है होगा, क्या ये बाइडेन इंतजामिया रूस को थोड़ी स्पेस देगी कि वो पीछे हट सके, अपने आप को एक्सट्रिकेट कर सके, कुछ कॉम्प्रोमाइज करेगी, उसकी कीमत है सियासी। तो ये गुफ्तगू जो है आज अब कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि तुर्की को इसमें शामिल किया जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में तुर्की ने एक टैक्टिकल लेवल की डिप्लोमेसी की थी कि जी वो गंदम जो है, जो ग्रेन है वो अटकी हुई है क्योंकि जंग हो रही है, तो रूस को मिलाया, यूक्रेन को मिलाया कि अच्छा भाई ये ब्लैक सी है, हम ब्लैक सी के शुमाल में हैं, हम आपकी मदद करेंगे, अब आप एक दूसरे के ऊपर जो है मतलब हमले मत कीजिए इस तरीके से कि ग्रेन की जो शिपमेंट्स हैं उनको जाने दें, ये आपका भी नुकसान है, यूक्रेन का भी नुकसान है, और सदर अर्दोगान जो है वो चूंकि उनकी भी इकोनॉमी का बट्टा बैठा हुआ है, तो उनको भी एक विन चाहिए, अगले साल उनके भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो उनको ये साबित करना है कि देखें
मैं अपने मुल्क को कितनी दूर ले आया हूँ कि हम बहुत बड़े जो है ना अब जियो पॉलिटिक्स के पावर ब्रोकर हो गए, हम जो है पीस मेकर हैं, हम सालसी का किरदार अदा करते हैं, हम इतनी बड़ी ताकत बन चुके हैं। तो आई थिंक आज जो सदर पुतिन ने बात की है कि हम जो है तुर्की को एनर्जी हब बनने में इमदाद करेंगे, क्या है एक एनर्जी हब, उससे क्या फायदा होगा, कब बनेगा कब नहीं बनेगा, एक शोशा है। लेकिन इस शोशे के पीछे याद रखिए कि जो भी जब भी वो मुजाकरात होते हैं उससे पहले बहुत बड़े बड़े झूठ बोले जाते हैं हमेशा। तो ये एनर्जी हब को झूठ समझिए, इसके पीछे एक हिकमत अमली है कि भाई मैं तो नहीं बात कर सकता बाइडन के साथ, मेरी तो मतलब पॉलिटिकली मेरे लिए ये मतलब जहर के मुतरादिफ है, इट विल बी पॉलिटिकली सुसाइड फॉर मी कि मैं अगर बाइडन इतने सब कुछ होने के बाद बाइडन के साथ बैठ जाऊं। आप जाइए आप बात कीजिए, आपने हमारी ग्रैंड डील बनाई है, अब आप बात कीजिए। अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वही है, बाइडन के नॉट सिट विद पुटिन, ठीक है, यहां तक कि एंथनी ब्लिंकन नहीं बात कर सका, गो के अपने हम मंसब जो सर्जिया लवरॉव हैं, हालांकि सर्जिया लवरॉव ने कुछ 2-3 दिन पहले कहा हम तैयार हैं बैठने के लिए, जहां के हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, ये तो अमेरिका ने जो है वो शरारत की है और ये है वो है, हम तो बातचीत करना चाहते हैं। तो झूठ बोले जाते हैं, ये एक सियासत का हिस्सा है, ये एक जियो पॉलिटिक्स का हिस्सा है, ये पॉस्चरिंग इसको कहते हैं हम जो है वो जो टेक्निकल टर्म्स में, लेकिन दोनों तरफ से मुजाकरात होने जरूरी हैं। ख्वाहिश है, कैसे होंगे ये बड़ा मुश्किल है। अब रूस का ये है कि रूस इस वक्त जहां वो डिप्लोमेसी की बात कर रहा है वहां खाली डिप्लोमेसी नहीं की तरफ वो नहीं बढ़ रहा, वहां उसने अपना कमांडर भी बदला है, उसको लेवरेज चाहिए बैटल स्पेस में ताकि अपनी मांगे पूरी करवा सके, वरना तो मांगे उनकी एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी तो फंस जाएंगे आप। तो जहां अगर आप अमेरिका और दुनिया ने यह साबित कर दिया है कि रूस जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान में है, तो रूस को अब यह साबित करना है कि ठीक है हम नुकसान में हैं, हम पेन में हैं, तकलीफ में हैं, लेकिन आपको भी हम बेचैन कर सकते हैं, और वो साबित करना है कि जंग में कोई बहुत बड़ी जो है ये जो लॉग जैम है कि जहां उनकी फोर्सेस मशरिक की जानब से पुश कर रही हैं और मगरब की जानब से जो है बहुत ज्यादा पुश बैक आ रहा है, इसको ब्रेक करना है हमको। अगर उन्होंने एक सक्सेसफुल नेगोशिएशन करना है तो उनको ये ब्रेक करना है, इसी वजह से हम ये जो है वो बेलारूस की बातें सुन रहे हैं, मोल्डोवा की बातें सुन रहे हैं कि वहां शायद कोई कार्रवाई करे रूस। ये जो हाल ही में बराज और मिसल अटैक्स हुआ था कीव और दीगर और शहरों के ऊपर, ये भी उस चीज का हिस्सा है। तो आई थिंक कि ये इस वक्त हम इस मोमेंट में हैं कि जहां डिप्लोमेसी का भी चक्कर चल रहा है, साथ में एक अस्करी जो है काउंटर ऑफेंसिव की भी तैयारी है। जी, बहुत आखिर में कंक्लूड कीजिए ब्रीफली कि ये जो रूस यूक्रेन की जंग का मामला है, ये आपको फ्यूचर में मुस्तकबिल करीब में आपको हल होता नज़र आ रहा है? हल तो नहीं होगा, हल भी तो डिफाइन करने की जरूरत है ना, तो हल तो कैसे होगा, अगर हल होना होता तो मतलब 2005 से ये सिलसिला चला आ रहा है, जब से ऑरेंज रेवोल्यूशन हुआ था और फिर 2014 में जो है वो उन साहब की जो अपना जो प्रो रशियन गवर्नमेंट थी उनका तख्ता उलट गया, पॉपुलर अपराइजिंग। तो हल नहीं हो सकता, एक देरी ना हो। फिर अगर आप पीछे मजीद तारीख में चले जाए तो कई सौ सालों पे मुहित है एक तारीख कि जिसके अंदर जो है यूक्रेन जो है वो अपने आप को अलहदा करना चाहता है, रूस उसको काबिज रहना चाहता है, तो ये तो हल नहीं। हाँ जंगबंदी हो सकती है, एक सीसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज हो सकती है, एक कोल्ड पीस हो सकता है, ठीक है। तो आई थिंक वो उस होने के चांसेस हैं, लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया पहले ये देखना है कि रूस बहुत इस वक्त रूस के कोर्ट में है, रूस क्या करे। और अगर मुझे स्पेकुलेट करना हो तो मैं कहूंगा कि जहां ये बाकी गुफ्तगू शुनीद हो रही है वैसे पर्दा रूस जो है नए कमांडर की जेरे सदारत
एक काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी कर रहा है। हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन जो लॉजिक है हालात की, जो एनालिसिस है, वो यही बताता है कि या रूस अपना, वो कहते हैं, टावल थ्रो इन कर दे, वो उनके लिए जहर के मुतरादिफ है, क्योंकि उससे सदर पुतिन सियासी तौर पे जो है ना एलिमिनेट हो जाएंगे और उनकी रियासत भी खतरे में पड़ जाएगी। तो रह क्या जाता है ऑप्शन, ऑप्शन यही है कि आप मुजाकरात की मेज पे आए रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ, लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ ये है कि आप एक कोई काउंटर ऑफेंसिव करें। तो जंग के अंदर हम कोई ड्रामेटिक तब्दीली की तवक्को रख सकते बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब। व्यूअर्स, बातचीत सुनी आपने स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में कामरान बुखारी साहब की। आप हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ आप इसी चैनल पर डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, और टैग टीवी की एप्स भी आप एंड्रॉयड, एप्पल, अमेज़ॉन और राकू पे डाउनलोड कर सकते हैं।